हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ 8वीं, 10वीं और 12वीं पास स्टूडेंट के लिए ऑल इंडिया गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में, जो कि पांच बड़ी भर्तियाँ निकल चुकी हैं और निकाली गई हैं। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही टोटल वैकेंसीज हैं 10,000। मैं हूँ संजना और अब मैं डिटेल में बात करने जा रही हूँ इन वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो भर्ती लेकर आ रहे हैं वो सीधा रोजगार समाचार से लेकर आ रहे हैं। और अगर आप इन वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको जॉब्स के बारे में पूरी डिटेल मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम पूरी डिटेल जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं पांच बड़ी वैकेंसी की, जो कि ऑल इंडिया गवर्नमेंट वैकेंसी है और साथ ही इंडिया बेसिस पर है। तो जो भी लोग कहीं भी रहते हैं और कहीं के भी लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, मैं बड़ी भर्ती की पहली पोस्ट की बात करने वाली हूँ यहाँ पे, तो कि है पोस्ट ऑफिस की जॉब। और जो की पोस्ट हैं वो हैं 2165, जो कि इंडिया के दो अलग अलग कोने से निकली है। पोस्ट ऑफिस की जॉब है ये, और पोस्ट सर्कल ने निकाली है, पोस्टल सर्कल ने निकाली है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल पोस्ट सर्कल की जॉब, जो कि ग्राम देव सेवक से निकाली गई, यानी कि जीडीएस की पोस्ट पे। वही गुजरात पोस्टल सर्कल की निकाली है, असिस्टेंट एमटीएस और पोस्टल मैन की। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्कल की जॉब की। तो यहाँ पे जो एज लिमिट बताई गई है वो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स दी गई है, जो कि गिनी जाएगी 18 फरवरी 2020 तक। वही रिलैक्सेशन दिया गया है 3 साल का ओबीसी कैटेगरी को, 5 साल का एससी एसटी को, और वहीं 10 साल का दिया गया है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लोगों को। तो पे स्किल की बात करते हैं यहाँ पे, तो जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी उसी अनुसार आपकी सैलरी भी होगी, जो कि 10,000 से 12,000 के बीच में होगी, तो और जो कि पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगी। तो चलिए, अब मैं आगे बात करने जा रही हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे 10th पास और 12th पास लोग बच्चे जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब मैं बात बताने जा रही हूँ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, वहीं आपको लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। जैसे कि आप इंडिया ऑल इंडिया गवर्नमेंट वैकेंसी है ये, तो आप अलग अलग जगहों पे इंडिया के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको लैंग्वेज आनी चाहिए वहाँ की लोकल, तभी आप वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए, अब आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे कोई आपका टेस्ट नहीं हो रहा, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, जो 10th 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको। तो अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पे ओबीसी और जनरल के यहाँ पे 100 रुपीज़ की फ़ीस दी गई है यहाँ पे, जो कि आप हेड पोस्ट ऑफिस में जा करके सबमिट कर सकते हैं। और वही महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं दी गई है यहाँ पे। तो अब मैं दूसरी बड़ी भर्ती की बात करने जा रही हूँ, जो कि पोस्ट ऑफिस की जॉब है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे कुछ लिंक दिए गए हैं जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो है एप्लीकेशन लिंक, यानी कि अप्लाई करने का लिंक, और डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक। तो आप डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आराम से इसको क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वरना आपको ये लिंक जो दिख रहे हैं वो आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट ऑफिस जॉब की, जो कि गुजरात में निकाली गई है और जो कि निकली है यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटे के जरिए। जो कि वैकेंसी हैं जो कि इस प्रकार है, टेबल टेनिस की 9 निकाली गई हैं, बैडमिंटन की 10, क्रिकेट की 12, वहीं वॉलीबॉल की 11 पोस्ट निकाली गई हैं। बाकी पोस्ट के बारे में आप मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। तो चलिए, अब मैं आगे एज लिमिट की बात करने जा रही हूँ। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 ईयर्स है यहाँ पे एमटीएस की वैकेंसी के लिए। वही मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर है अदर कैटेगरी के लिए, जो कि गिनी जाएगी 20 मार्च 2020 तक। तो अब मैं आगे बात करने जा रही हूँ यहाँ पे सैलरी पैकेज की। तो पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट की, यानी कि जो पोस्ट पे सैलरी पैकेज मिलने वाला है वो है 25,500 मिनिमम एंड मैक्सिमम 81,100। वही सेकंड पोस्ट की बात करूँ तो मैं पोस्टमैन या मेल गार्ड की पोस्ट की, तो यहाँ पे जो सैलरी पैकेज होने वाला है वो मिनिमम 21,700 और मैक्सिमम 69,100। तो तीसरी पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो यहाँ पे जो सैलरी पैकेज होने वाला है वो है 18,000 मिनिमम और मैक्सिमम 59,900।
तो चलिए अब मैं आगे बात करने जा रही हूँ पोस्टल वही गुजरात की, जो आपकी जो कि चल ही रही है अभी, मैं बता ही रही हूँ आपको क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे 10th 12th पास जो है अप्लाई कर सकते हैं आराम से, और साथ ही जो एप्लीकेशन फीस है वो जो आप एप्लीकेशन फीस देंगे तो किसी भी कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस में जा करके आपको सिर्फ और सिर्फ 120 रुपये जाके देने हैं, और इस पोस्ट को गुजरात की पोस्ट को आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करने जा रहे हैं नोटिफिकेशन के लिंक की, जो कि आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिख ही रहा है। लेकिन 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 अगर आपको इसको क्लिक करना है, फॉर्म फिल करना है, तो आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और इस लिंक को क्लिक करके आप वहां तक पहुंचेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करो ना यार, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप अप्लाई करोगे, कमेंट करोगे, तभी हम लोग आप तक सही से आपके पास आंसर पहुंचा पाएंगे जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। तो चलिए अब मैं तीसरी बड़ी भर्ती की बात करने जा रही हूँ, जो कि है आरआरबी ने निकाली है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे की है अप्रेंटिस की जॉब। और जो पोस्ट निकाली गई है वो है 220,043, यानी कि 2043। और साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है, जैसे कि मैं बात ही कर रही थी अभी, 10th पास व 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए 50%, और साथ ही आपने आईटीआई कंसर्ट ट्रेड से पास किया हो। तो चलिए अब हम आगे बात करने जा रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो पहले सिलेक्शन प्रोसेस में आपको टेस्ट तो देना ही होगा, या तो आप रिटर्न टेस्ट दो या फिर ट्रेड टेस्ट आपको देना होगा। अब एप्लीकेशन फीस की मैं आगे बात करती हूँ, तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे 188 फीस दे रखी है, और वही महिलाओं एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 88 रुपीस फीस दे रखी है। और आप ये फीस आराम से सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन मोड से, अगर आप यूज़ करते हो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसको सबमिट कर सकते हो। तो चलिए मैं चौथी बड़ी भर्ती की बात करने जा रही हूँ, जो कि निकाली है जयपुर मेट्रो ने, जिसमें वैकेंसी इस तरह से हैं। तो पहली पोस्ट जो यहाँ पे निकली है वो है स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर की, जो कि 8 पोस्ट निकाली गई हैं। वही जूनियर इंजीनियर में यहाँ पे 3 टाइप पे पोस्ट निकाली गई हैं, पहली है इलेक्ट्रिकल की 6 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियंस की 7, वहीं सिविल की 9 पोस्ट। वहीं कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट यानी कि CRA की 10 पोस्ट निकाली गई हैं। मेंटेनर की बात करूँ तो यहाँ पे 4 तरह की पोस्ट मेंटेनर की निकाली गई हैं, यानी कि इलेक्ट्रीशियन की 10, इलेक्ट्रॉनिक्स की 12, फिल्टर की 2 और रेफ्रिजरेशन एंड एसी की 3। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आगे इसी पोस्ट की। तो एज लिमिट की बात करूँ तो 21 ईयर्स है मिनिमम, और मैक्सिमम है 41 ईयर्स, जो कि 1 जनवरी 2021 से गिनी जाएगी। और बाकी रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन पे भी जाके। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अब मैं आगे बात करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है आपके ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 12वीं पास होना चाहिए, वो कंपल्सरी है। वहीं दूसरी पोस्ट की बात करूँ जूनियर इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग की डिग्री यानी कि ग्रेजुएट आपकी होनी चाहिए। वहीं कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट की डिग्री में भी आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और मेंटेनर की बात करूँ तो यहाँ पे तो पोस्ट के लिए आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का कोर्स किया हो, या आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप का कोर्स किया हो, वहीं आपने अगर ITI में आपने कॉन्सर्न ट्रेड का कोर्स किया है तो भी आप इस जॉब को अप्लाई कर पाएंगे आराम से। तो चलिए अब मैं पांचवी बड़ी भर्ती की बात करने जा रही हूँ। तो पहले हमने वेस्टर्न की बात करी थी, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे की, अब मैं ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की बात करती हूँ, यानी कि ईस्टर्न रेलवे की बात करने जा रही हूँ। तो जो यहाँ पे एप्रीटियंस की पोस्ट निकाली गई है और जो वैकेंसी निकली है वो है 2792, जिसमें हावड़ा डिवीजन में 659, वहीं सिपलाहादे में डिवीजन में 529, और वहीं मालडा डिवीजन में 101 पोस्ट निकाली गई हैं। बाकी पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जमलपुर वर्कशॉप में 684 पोस्ट निकाली गई हैं। आप पूरा आपको मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिख ही रही है। तो चलिए अब मैं आगे बात करने जा रही हूँ एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है मिनिमम 15 ईयर्स और मैक्सिमम 24 ईयर्स, और जो एज में रिलैक्सेशन दिया गया है वो 5 साल का SC ST को, वहीं 3 साल का OBC को और 10 साल का PWD कैटेगरी को यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए अब मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आगे बात करने जा रही हूँ। तो दोस्तों
तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसको 10वीं पास होना चाहिए और साथ में उसके 50% मार्क्स होने चाहिए 10वीं पास में, यानी कि 12वीं पास किया अगर 10वीं पास किया तो उसमें, और साथ ही नोटिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका जो कि एनसीवीटी और एससीवीटी से इशू किया गया हो। और साथ ही मैं जनरल ट्रेड्स की बात करूंगी जहाँ पे मैं वेल्डर, शीट मेटल वर्कर, लाइनमैन, वायरमैन और कारपेंटर की बात करती हूँ। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट दी गई है वो 8वीं पास दी गई है जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से यानी कि होना चाहिए, और साथ ही आपके पास नेशनल ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इशूड हो एनसीवीटी और एससीवीटी से। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ मेन थिंग वो ये है कि जो है वो मैट्रिक पास होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा वो मैट्रिक पास से मार्क्स से होगा। और साथ ही अब मैं एप्लीकेशन फीस की बात करने जा रही हूँ, तो आपको 100 रुपये की फीस यहाँ पे जमा करनी है जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जमा कर सकते हो, और जो जनरल कैटेगरी को देनी होगी वही महिलाओं एससी एसटी के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं दी गई है, तो आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दिखाना होगा कि आपको मेरी वीडियो कितनी पसंद आई है, और अगर नोटिफिकेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अपने सर्कल में, ताकि उन लोगों को भी इन वैकेंसीज के बारे में पता चल सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। और वहीं पे अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को इसलिए दबाइएगा, वहाँ पे साइड पे घंटी बनी आती है ना, उसको इसलिए दबाइएगा ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों रोजगार समाचार से हमने आप तक एक जो हमारी सीरीज़ है, मतलब जो हम जॉब्स आपकी अप्रूवल होती है, गवर्नमेंट अप्रूवल जॉब जो लेकर आते हैं वो हम लेकर आए अब तक। तो आप बताइए अब आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अव्युद एकेडमी को, और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको न्यू गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स मिलते रहे। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है हमारी जॉब से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हमारी पूरी टीम वेल रिसर्च करके आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सके।